हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी, मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट अभी शूट की है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दिन अपनी कोई वीडियोस को शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि काफ़ी जनों ने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ मैम वेट लॉस के लिए कुछ वीडियो बनाएं प्लीज़, तो मैंने ये स्पेशली वीडियोज़ जो है वेट लॉस के लिए बनाई हैं। चलिए हम जानते हैं आज जो हम सब बातें जिस टॉपिक्स पे करने वाले हैं वो है आपकी ओबेसिटी, मतलब मोटापा। क्या कारण होते हैं मोटापे के और क्या नुकसान होते हैं इसके, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोटापे के जो कारण हैं वो क्या होते हैं। तो उनमें सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसमें है हमारा डाइट, ठीक है। दूसरा है एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ कंडीशन, हमारी कोई मेडिसिंस, हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन या इमोशनल फैक्टर। तो मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके भी बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो डाइट मतलब डाइट का कैसे हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो असर होता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी डाइट जो है हमारी मोटापे की एक वजह होती है। सबसे पहले उसमें क्या रहता है कि आपकी अनहेल्दी ईट डाइट, ठीक है। आप जो भी खाना खा रहे हो, कुछ अनहेल्दी सी डाइट आपने अपनी रूटीन में रखी हुई है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बहुत ऑयली डाइट है उसकी वजह से हो सकती है। एक्सेसिव फैट कंजम्पशन, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फैट ले रहे हो। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो मीठे की लेते हो। तो उसकी ये डाइट में वजह होती हैं जिनकी वजह से हमें ओबेसिटी मतलब मोटापे की प्रॉब्लम होती है। अभी हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये हमारे कैसे जो है वो वजह बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो वो है हमारा सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया कैसे हम बोल सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे फ़ोन्स पे, हमारे टीवीज में कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स की, ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स की, अलग अलग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनकी। तो वो जो एड्स होती हैं ना वो इतनी अट्रैक्टिव लुक की होती है या जो भी है, तो हम उनको देख के बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम उस डाइट को जो है ना वो सॉरी जो वो जो फूड है जो इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है हम उसको ट्राई करें, ठीक है। तो जो कुछ भी हम देखें, हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ हेल्दी है या अनहेल्दी है, हमने बस यही कॉन्सेप्ट है कि हमने उसको क्या है ट्राई करना है। तो नेक्स्ट वन इज़ नो जिम, मतलब कि अगर हमारे लोकल एरिया में जैसे कुछ जगह ऐसे रहती हैं जहाँ के हमारे पास के जिम की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे आसपास कहीं पे जिम नहीं है, तो ऐसे में भी हम हमारी जिम की जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनको स्किप आउट कर देते हैं कि हाँ भी लोकल में आसपास में जिम नहीं है तो हम जिम कैसे जाएंगे। वैसे जब हम जिम जाते हैं, जो लोग जाते हैं वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पे क्या होते हैं, हमारी जो फिज़िकली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, थीके? अगर हम वहाँ पे जाके कोई फिज़िकली एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उन सब से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, जैसे हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है, हम हैप्पी फील करते हैं, हमारी एंग्जाइटी जो है वो दूर होती है। तो इसके साथ हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी सेल्फ इस्टीम जो है ना वो बूस्ट होती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी पार्क की फैसिलिटीज़। जैसे कुछ हमारे जो जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं है ना, कुछ गांव में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं, तो किसी भी आप एरिया में रहते हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपके लोकली एरिया में आपके आसपास में पार्क की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। लेकिन जिनके पास तो चलो पार्क की फैसिलिटीज़ हैं उनको, वो तो मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, वहाँ पार्क में जाके आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो पार्क में जाके, क्योंकि एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे, है ना, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे। वैसे तो आजकल क्या हो रखा है ना कि जिनके पास पार्क की फैसिलिटीज़ भी हैं लोग आजकल घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपनी आपके जितने भी पास में कोई पार्क वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, आप ज़रूर जाया करिए। आप जाओगे तो आपके मतलब बच्चे जो हैं वो भी आपके साथ जाएंगे, वो भी आपकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपनी दिखाएंगे,
सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पार्क में जाओ, वहाँ पे बिना स्लीपर्स डाले, ठीक है, नंगे पाँव जाके आप सैर कर सकते हो। आप मतलब अपना नेचुरल जो इन्वायरमेंट है ना, आप उसको इन्जॉय कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट है वो रीज़न है हमारी हेल्थ कंडीशंस और हमारी मेडिसिंस। तो हेल्थ कंडीशंस मतलब कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि किसी भी पर्सन को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर किसी को हार्मोन्स इम्बैलेंस है, उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी एक वजह बनती है हमारी ओबेसिटी की, हमारी मोटापे की। वो कैसे, जैसे कि स्पेशली जैसे जो पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, जिनको थायराइडिज्म है, ठीक है, जिनकी हार्मोन्स जो थायराइड की हार्मोन्स हैं जो डिक्रीज हो चुके हैं या हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पर्सन को ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के ऊपर फैट एकुमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी ओबेसिटी की उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और भी जैसे अगर किसी को थायराइड ग्लैंड जैसे हो गया ना अंडर एक्टिव, जो मैंने आपको बताया वो है, जिनकी हाई कोर्टिसोल लेवल्स रहता है, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हमारी बॉडी में जो होता है वो मोटापा आ जाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ मेडिकेशंस। मेडिकेशंस मतलब जैसे, वैसे तो नॉर्मली हर मेडिसिंस, जो भी आप ड्रग लेते हो, जो भी आप मेडिसिन लेते हो जो आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़े, तो उनके साइड इफ़ेक्ट जो है वो होते ही होते हैं, हर मेडिसिन के होते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं जैसे कि वो डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई एंटी साइकोटिक मेडिसिंस ले रहे हैं, ठीक है, तो इनके साइड इफ़ेक्ट में क्या रहता है कि इस कंडीशंस में पेशेंट्स के फैट जो है वो अकुमुलेट हो जाती है, फैट चढ़नी शुरू हो जाती है बॉडी के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो ओबीस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी स्पेशली जैसे एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स हम देते हैं ना साइकेट्रिक कंडीशन में पेशेंट्स को, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, तो उनका तो मेजर साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि पेशेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओबीस हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा इमोशनल फैक्टर, स्ट्रेस और डिप्रेशन। क्या होता है कि जब भी पेशेंट को एंगजाइटी या डिप्रेशन होता है, तब इस कंडीशन में जा तो फिर पेशेंट का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशंस में क्या रहता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिकेशन की ज़रूरत रहती ही रहती है। जो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर तो पेशेंट को डिप्रेशन है या एंगजाइटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में वो क्या करता है, जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करेगा, जहाँ बिल्कुल ही खाना छोड़ देगा, तो उसकी जो चॉइसेस रहती हैं ना फूड की, वो बहुत मतलब पुअर सी रहती हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ठीक है। उनके मूड स्विंग्स ही ऐसे हो जाते हैं, एक डिप्रेशन की कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, ठीक है, अपनी बॉडी की तरफ वो केयर नहीं कर पाते। तो ये भी कुछ वजह रहती हैं जिनकी वजह से पेशेंट का जो है वेट है ना जो बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है। तो हम देखते हैं अभी कि अगर कोई पेशेंट है जो ओबीस है, ठीक है, जिसको मोटापा है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उनकी उनकी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, उसमें आ जाता है कि पेशेंट अगर उसका बीपी सॉरी उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो बीपी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या है और क्या दिक्कत आएगी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, तो इन दोनों में ही एक डेविएशंस आ जाती हैं, दोनों में ही इम्बैलेंस जो है ना वो आपको देखने में मिलेगी कंडीशंस। तो और क्या होता है कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट की डिसीज़ हो सकती है, गॉल ब्लैडर की रिलेटेड डिसीज़ हो सकती हैं, स्टमक जो है वो अपसेट रह सकता है, आपके मेजर पॉइंट जो सॉरी मेजर जो प्रॉब्लम आपको देखने में मिलेगी वो है हमारी जॉइंट पेन, ठीक है, घुटनों में जैसे जिनके दर्द रहती है, जॉइंट्स में पेन रहती है। तो ये इसमें भी एक वजह रहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मोटापे की वजह से हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो, आप बहुत ज़्यादा आपका वेट ज़्यादा है, तो वो सारा का सेरा सारा वेट जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके पैर, अपने घुटने, आपकी लेग्स वही झेलेंगी ना, तो उसमें जो जॉइंट्स रहते हैं ना, तो फिर वो जल्दी से हमारे जो घुटनों के जॉइंट्स हो गए, ठीक है, फुट्स में जो भी है अपने एंकल्स के जॉइंट्स हो गए, तो वो जल्दी से पेन होना उनमें स्टार्ट हो जाती है।
तो हमारा पोस्चर इम्बैलेंस हो जाता है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनका पोस्चर आप कभी भी ध्यान करें, नोटिस करें या खुद हम नोटिस करते हैं ना, तो वो सीधे से एक तो खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अपना बॉडी का वेट वो उनके लिए बैलेंस करना जो है वो ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब फैक्ट शीट के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्ट्स जिनको आप फॉलो करें और आप अपना वेट जो है उनको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले लिमिट पोर्शन साइज टू कंट्रोल कैलोरीज इनटेक, ठीक है। आपने अपने खाने में, अपने जो डाइट में कोशिश करना है कि आप कम अमाउंट में जो है वो कैलोरीज कंज्यूम करो। अपने खाने की लिमिट जो है ना उसका पोर्शन थोड़ा कम रखो साइज में। मतलब ये नहीं है कि आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, लेकिन आप फिर भी खाना बहुत ज़्यादा प्लेट भर के खाना खा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक ओवर ईटिंग कंडीशन में ही आ जाती है। तो आप खाना खाओ, थोड़ा कम अमाउंट में खाओ, कैलोरी इंटेक्स जो है ना उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। देन आपकी फिजिकली एक्टिविटीज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप बहुत आजकल तो वैसे सभी जो है वो वर्किंग पर्सनालिटीज़ हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी, तो आपकी जॉब्स भी है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप जो 6 आवर्स हैं या 8 आवर्स हैं या जितना भी टाइम आप वर्क कर रहे हो, तो आपकी सिटिंग जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर सिटिंग जॉब भी है तो आप अपनी थोड़ी बहुत ही एक्टिविटीज़, थोड़ी देर उठो, थोड़ा टहल लिया, सैर कर ली, थोड़ी बहुत अपनी बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह कर ली। और वैसे भी घरों में भी जो रहते हैं ना, तो आप अपनी फिजिकली एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़रूर आपकी होनी चाहिए। योगा और एक्सरसाइजेस, आप योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ईट हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट, आप अपनी जो भी डाइट ले रहे हो वो हेल्दी डाइट रखो और बैलेंस्ड डाइट रखो। बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब होता है कि आपके मतलब ये नहीं है जैसे ठीक है आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, आप सैलेड भी खा रहे हो, आप सब कुछ हेल्दी खा रहे हो, आप ऑयल भी कम ले रहे हो, शुगर भी नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी डाइट जो है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें विटामिंस भी हो, मिनरल्स भी हो, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए। स्टे हाइड्रेट, आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस आपके एक दिन में रहने चाहिए। अवॉइड अल्कोहल, कैफीन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। अपने जो भी ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, जो भी स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कोई भी अदर कोई भी आप ड्रग अब्यूज़ करते हो, इंजेक्टेबल लगाते हो, प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि ये सब चीज़ें भी है ना, एक तो मोटापे का तो चलो कारण है ही है, बनती ही अल्कोहल लोगे तो इससे और भी बड़े नुकसान होते हैं। जैसे कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हो तो आपका स्टमक जो है, ठीक है, आपका जो लिवर है वो डैमेज हो सकता है। अगर वो चीज़ें डैमेज हो गई तो इसकी वजह से आपके और भी जो ऑर्गन्स हैं वो भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके लंग्स जो है ना, फेफड़े जो हैं, ठीक है, वो ख़राब हो सकते हैं। अगर आप इंजेक्टेबल लगाते हो, इंजेक्शंस लगा के कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है ना कि बहुत सारी आपको बीमारियाँ हो सकती, खतरा हो सकता है, जैसे कि HBV, HCV, HIV, मतलब काला पीलिया हो गया या HIV हो गई, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप जुम्बा क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप अगर अपनी ऐड करते हो ना लाइफस्टाइल में, तो इनसे भी आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलती है। 50% वर्क तो आपने आपकी ये हैबिट जो है ना, यही आपकी बॉडी के ऊपर वर्क कर जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप अपना वेट जो है उसको मैनेज करते हो, तो वो आपकी अपनी बॉडी को, आपकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो इम्प्रूव है, मैनेज है, सही है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी सही रहेंगे, आपको कोई भी हार्ट की डिसीज़ का चांस नहीं रहेगा, आपकी मोबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी पेन्स जो है वो कम हो जाएंगी, आपके मूड्स अच्छे रहेंगे, आप अच्छे से सो पाओगे, आप अच्छी अपनी जो एक सेल्फ इस्टीम है आप उस वो आपकी हायर हो सकती है, आपकी एक ग्रेट पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपनी ये सब जो चीज़ें हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ज़रूर अपना सकते हो इनको। तो अभी हम थोड़ी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइट में मैं आपको बताती हूँ, जैसे सबसे पहले तो आपने जब मॉर्निंग में आप उठते हो, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आपने शुरुआत अपनी कहाँ से करनी है, आप अपनी डाइट में सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में क्या करें, सबसे पहले जहाँ तो कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर ले लें, या जीरा वाटर ले लें, या सिनेमन वाटर ले लें, चिया सीड्स वाटर, फेनोग्रीक वाटर या ग्रीन टी।
अभी जीरा वाटर क्या रहता है, इसको को कैसे प्रिपेयर करना है। रात को 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। सेम चीज़ अगर वो फेनुग्रीक वाटर है, मतलब मेथी दाना है, ठीक है जी, तो जीरा वाटर बनाना है या फेनुग्रीक वाटर बनाना है, तो जीरे को भिगो दिया या फिर आपने अपने मेथी दाना को 1 चम्मच पानी में 1 गिलास में भिगो दिया। सुबह उस पानी को अच्छे से आपने बॉईल करना है। जब वो आधा गिलास रह जाए या 1 कप या आधा कप रह जाए, तो उस वाटर को आपने कंज्यूम करना है, आपने उस वाटर को सुबह सुबह पीना है, ठीक है, हल्का गुनगुना करके। तो ये चीज़ें जो है आपने एक एक दिन, जैसे कभी कभी ग्रीन टी ले ली, कभी कभी आपने सिनेमन वाटर ले लिया, इलायची का पानी सेम वो भी ऐसे बॉईल करके बनेगा, किसी दिन आपने मेथी दाने का पानी ले लिया, कभी जीरा वाला पानी, कभी कुकुम्बर डिटॉक्स वाटर ले लिया, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली अल्टरनेट कर सकते हो। तो अपनी डाइट में अपने फ्रेश फ्रूट्स जरूर ऐड कीजिए, सीजनल फ्रूट्स ऐड कीजिए, ठीक है। आपके सीजन्स के अकॉर्डिंगली जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड करो, ठीक है। जो पत्ते वाली हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो ऐड करो, जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी, ठीक है, ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन ये जो हरी सब्जियां होती हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, ठीक है। तो आप बैलेंस करो, ये नहीं बोला, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो वही लेते जाओ, लौकी घिया ही खाते जाओ, नहीं, आप दालें वगैरह भी लो, दालें भी बहुत अच्छी हैं, दालें जो होती हैं उनमें प्रोटीन जो कंटेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। तो आप एक बैलेंस बना के लो, कभी लिक्विड सब्जी ले ली, कभी चने बना लिए, ठीक है, कभी दाल वगैरह बना ली, लेकिन अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो पत्ते वाली सब्जी है वो भी ऐड करो। अवॉइड देसी घी ऑन चपाती, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप अपनी चपाती जो है उस पर डायरेक्टली देसी घी अप्लाई करके मत लो। अब थोड़ा सा देसी घी अपनी सब्जी में ऐड कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि चपाती पे अपना देसी घी जी है वो जो है वो ना अप्लाई करो। अवॉइड ऑयली फूड, ठीक है। आपने ऑयली फूड जो है अपनी डाइट में वो नहीं लेना है ज़्यादा। जैसे घरों में भी अगर आप सब्जी बनाते हो तो कोशिश करो कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। और रिफाइंड ऑयल वैसे तो बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के भी हैं, लेकिन मैं पर्सनली, मैं जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताऊंगी, तो मैं मोस्टली जो है वो मस्टर्ड ऑयल, हमेशा मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ हर एक सब्जी के लिए। तो वो जो है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे जो रिफाइंड ऑयल से। अवॉइड एक्सेसिव स्पाइसी फूड, आपने अपनी डाइट में स्पाइसी फूड, ज़्यादा जो मिर्ची मसाले वाला फूड है वो नहीं लेना है। अवॉइड मैदा प्रोडक्ट्स, मैदे से बने हुए जो चीज़ें हैं, जो टिक्की, बर्गर, न्यूडल, ये सब चीज़ें, मैगी वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई, ये आपने अपनी डाइट में ऐड नहीं करनी है। मैदे को पचाने के लिए हमारे लीवर को थोड़ा जो है ना जोर लगाना पड़ता है, तो वो चीज़ जल्दी पचती नहीं है, हमारा स्टमक जो है इसकी वजह से, सॉरी, अपसेट हो जाता है। अवॉइड पैक्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड, जो पैक्ड बाज़ार से, मार्केट से फूड मिलते हैं, ठीक है, जो वो आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तो जो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो सही नहीं होते। ईट कर्ड विद फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। आप अपना कर्ड का सैलड बना लो अपने, बेशक कर्ड में कभी कभी अपने कुकम्बर वगैरह, ठीक है, बीट रूट हो गया, ये ऐड कर लिया, या कभी कभी अपने कर्ड में आप दही में जो है वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो भी आपने फ्रूट खाना है आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। हैव एन अर्ली डिनर, ठीक है। आप कोशिश करो कि अपना जो डिनर है वो अपने टाइम पे करो, 8 बजे से पहले पहले आप अपना डिनर कर लो। ज़्यादा लेट डिनर जो है वो नहीं करना है, ये भी एक वजह बनती है, हम लेट खाना खाते हैं तो उसको बॉडी जो है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करती है, तो इसलिए भी आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो फैट एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। अवॉइड 3 लार्ज मील्स, मैंने पहले भी बोला था कि आप अपना खाना, जैसे अगर 3 टाइम भी खा रहे हो तो ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो प्लेट भर भर के आपने खाना खाना है, थोड़ा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, बेशक 3 से भी 4 टाइम अपना जो डाइट है ना उसको आप ऐड कर सकते हो। तो और क्या है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड जो है ना वो लेना है। लॉट्स ऑफ फाइबर, आपने अपनी डाइट में फाइबर जरूर ऐड करना है। ओट्स ले लो, लेंटिल्स ले लो, फ्लैक्स सीड्स ले लो, एप्पल, ब्रोकली, इसमें फाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में रहता है। योर जीन्स कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी। तो एक और चीज़ होती है कि मोस्टली कुछ लोगों में ये रहता है माइंड में कि हम अपनी डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हमारी लाइफ में एक्सरसाइजेस भी हैं, हम योगा भी कर रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल हम
जो है वो अपना बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपके जेनेटिकली जो इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो बहुत ही आपकी बॉडी पे असर करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे जैसे पेरेंट्स की जो फिजिक रहती है, वही फिजिक आगे चल के बच्चों की भी होती है। तो ये चीज़ एक जेनेटिकली इफ़ेक्ट होता है, सब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चू योर फूड प्रॉपरली, ठीक है? तो आप अपना खाना जो है वो अच्छे से चबा के फिर खाया कीजिए। वॉर्म वाटर इन मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। तो आपकी जो आप अपना वॉर्म वाटर लेते हो ना, जो हल्का गुनगुना पानी, कोशिश करो कि हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही साथ में लो अपने खाने के भी। वैसे तो खाना खाते टाइम आपको पानी नहीं पीना है, एक सिप लेना पड़ जाता, दो सिप लेना पड़ जाए तो दैट इज़ नॉर्मल। क्योंकि अगर आप ज़्यादा साथ में पानी लेते जाओगे ना, एक तो हमें जल्दी से ये फीलिंग आ जाती है कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, पेट भर गया। दूसरी बात कि हमारा जो पानी हम जो पी जा रहे हैं ना, तो खाने के साथ साथ तो वो हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होने देगा। तो आप पहले पानी पी लो, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा पहले पानी ले सकते हो खाना खाने से। ईट वेज पोहा, ठीक है? आप अपनी डाइट में पोहा ऐड कर सकते हो, आप वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करो, उस पोहा को आप बना सकते हो। तो हम थोड़े से मील प्लान की बात कर लेते हैं, भले ही आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें। तो इस प्लान से आपको सीरियसली फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो लोग अच्छे से इसको फॉलो करेंगे उन्हीं को। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो, अपनी डाइट में जाओ तो जीरा वाटर ले लो, ठीक है? लेमन वाटर ले लो, फेनिग्रिक वाटर, जो मेथी दाने का पानी ले लो, चिया सीड्स का पानी हो गया, इलायची का पानी, या ग्रीन टी, इससे शुरुआत करनी है। ये आप अपने अकॉर्डिंगली अल्टरनेट करते रहो दिन, ठीक है? ठीक है, जैसे संडे मंडे ट्यूजडे वेज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अपने अकॉर्डिंगली इसको अल्टरनेट करते रहो। और रात को डेली आपने 5 बादाम एटलीस्ट भिगोने हैं, अगर बड़ों बड़े ले रहे हैं, और साथ में बच्चों को भी दीजिए। 3 बादाम आप बच्चों के लिए भिगो लीजिए। सुबह सुबह पानी पी लिया, उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने क्या करने हैं, आप बादाम खा सकते हो, उनका छिलका उतार के, सोख्ड जो बादाम होते हैं। अब आप ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आप पोहा ले सकते हो, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा। पोहा में आप उपमा ले सकते हो, उसमें भी आप वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। ओटमील ले सकते हो, उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। आप मिक्स पराठा या पनीर पराठा भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आप क्या करें, आप कोशिश करें कि आपने उसको ज़्यादा जो है ना घी या बटर के साथ रोस्ट नहीं करना है। आप हल्का सा उसको मीडियम आंच पे पकाएं अच्छे से, और उसको जब पराठा बन जाता है उसके बाद आप थोड़ा सा बटर या घी उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप इनके साथ जो है ना पराठे के साथ आप कर्ड भी ऐड कर सकते हो। तो हम उसके बाद मिड मील की बात करते हैं। जैसे आपने अगर सुबह टाइम पे 8 से 9 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी हम 12 बजे की बात करेंगे, तब आप क्या कर सकते हो कि आप योगर्ट फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है? अपने दही में फ्रूट्स वगैरह कट करके आप वो ले सकते हो, या फिर दही में आपने सैलेड वगैरह कट कर लिया, ठीक है? जैसे पहले भी बताया, कुकम्बर हो गया, या फिर आपका जो बीट रूट हो गया, ठीक है, वो चीज़ ऐड करो, आप वो ले लो। या आप चिया सीड्स की पुडिंग बना के ले सकते हो, आप फ्रूट चाट बना के ले सकते हो, है ना, अलग अलग जो फ्रूट्स हैं वो कट करके आप वो ले सकते हो। या सैलेड, अकेला सैलेड ही आप जो है ना वो भी डाइट में ले सकते हो, या फिर उस टाइम आप स्प्राउट्स चाट बना के ले सकते हो। स्प्राउट्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उनको जाके ज़रूर देखिए ये कैसे बनते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम लंच की बात करें, तो लंच में आप क्या कर सकते हो, पुलाव ऐड कर सकते हो, वेज पुलाव। उसमें वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंगली जो डालनी है आप डाल सकते हो, वेमसलीज, ठीक है? एक तो होती है ना मीठी सेवैयाँ जो हम बनाते हैं, एक होती है जो नमकीन सेवैयाँ हम बनाते हैं। तो ये नमकीन सेवैयाँ बनानी है आपने, उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्जी आप ऐड कर सकते हो। आपने जो भी आप चपाती लेते हो, आप कोशिश करो कि आपने हमेशा हर जो भी चपाती जिस भी टाइम खाते हो वो मल्टीग्रेन आटे की चपाती होनी चाहिए। तो आप मल्टीग्रेन चपाती, आटे की जो चपाती है वो खा सकते हो। उसके साथ आप अपनी चॉइस की कोई भी बाउल वेज जो है ना ले लो, एक कटोरी किसी भी सब्जी की जो भी आप पसंद करते हो वो ले लो। लेकिन ये ध्यान रखें, एक तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल में पकी नहीं होनी चाहिए, या उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो आपका बटर है या घी है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आप उसमें और क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे के साथ जैसे एक दिन आपने वेजिटेबल ले ली, एक दिन आपने और क्या क्या ब्लैक चने की सब्जी है वो ले ली। ब्लैक चना जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा जो है ना वो माना जाता है हमारी हेल्थ के लिए। तो वैसे भी जैसे चने का पानी, जो चने का जैसे आप ब्लैक चने बना रहे हो उसका आप सूप भी बना सकते हो, ठीक है, वो भी ले सकते हो।
तो अगर आप चपाती ले रहे हो, आप वेजिटेबल ले रहे हो, तो आपने सैलेड ज़रूर ऐड करना है। आप रागी और बाजरे की रोटी भी बना के ले सकते हो, उसके साथ भी आपने वेजिटेबल होगी और आपकी सैलेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने 12 बजे दोपहर सॉरी आपने जैसे लंच की, आपने 2 बजे तक लंच कर लिया, तो आप 2 बजे इसके बाद 3 बजे 1 घंटे के बाद लंच करने के कोई भी ड्रिंक ले सकते हो। जैसे स्पेशली आप सत्तू, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सत्तू ले सकते हो। सत्तू जो है वो चने जो होते हैं ना, चना पाउडर होता है, तो इसमें एक तो कैलोरीज कम होती हैं, एक ये लो ग्लाइसिबिक इंडेक्स फूड है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो सत्तू को ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ उनकी शुगर जो है वो भी मेंटेन रहती है। और ये कूलेंट नेचर का होता है, मतलब ये हमारी बॉडी को गर्मी नहीं देता है, ये हमारी बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे आप कतीरा गुंद वगैरह बोलते हो, है ना, कतीरा गुंद ले सकते हो, उससे भी हमारी बॉडी को जो है ठंडक मिलती है। आप वाटरमेलन मेजिटो ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, चिया सीड्स वाटर। चिया सीड वाटर आपने क्या करना है कि एक अपने पास कांच की बोतल रख लो, करीब 1 लीटर की वो जो बोतल है ना वो होनी चाहिए, तो उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर दो, 15-20 मिनट उसको रहने दो, वो फूल जाते हैं। तो आप सारा दिन वही पानी पीना है, वो जब ख़त्म हो गया उसको फिर से बना लो, ठीक है। तो चिया सीड्स का वाटर जो है ना, एक तो आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर देता है, आपकी लिवर की सफाई कर देता है, उसमें जो भी एसिडिक प्रोडक्ट्स है ना उनको भी निकालने में मदद करता है। अभी इवनिंग स्नैक की बात करें, जैसे 3 बजे आपने ड्रिंक वगैरह लिया था, उसके बाद आप 4 बजे या 4:30 से 5 के बीच में आप अपने इवनिंग स्नैक्स ले सकते हो। आप कोशिश करो कि आप हमेशा ग्रीन टी ही लो, जो वैसे जो हम चाय पीते हैं आप चाय को अवॉइड करो, ठीक है। आप ग्रीन टी ले सकते हो, ग्रीन टी के साथ अपने मखाने ले सकते हो, ठीक है। जहाँ आपने पफ्ड राइस चाट जो घर पे बनाएंगे, पफ्ड राइस मिल जाते हैं, तो उसका चाट बनाए, उसमें आप अपने चॉइस के टमाटर डाल लो, ठीक है, जहाँ प्याज डाल लो, आप उसमें जो है चाट वगैरह डाल लिया, चाट मसाला हो गया, नमक हो गया, थोड़ा सा काली मिर्च हो गई, ठीक है, ये चीज़ डाल के उसको चाट को खुद बना के घर में आप वो लीजिए। प्लेन पॉपकॉर्न, मतलब आपने मार्केट वाले जो है ना वो वाले पॉपकॉर्न नहीं बनाने हैं, खुद घर में जो मकई के दाने रहते हैं वो लेके रखिएगा, और डायरेक्ट उसी टाइम जब खाने हैं फ्रेश बनाए और ले सकते हैं आप, ठीक है। होममेड बेल, आप बेल बना सकते हो होममेड। आप इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक पफ्ड राइस ले लेने हैं, उसमें आप जो है रोस्टेड जो चने होते हैं ना वो ऐड कर सकते हो, पीनट ऐड कर सकते हो, प्याज टमाटर ऐड कर सकते हो, चाट मसाला डालिए, थोड़े से लेमन जूस के ड्रॉप डालिए, अगर आपके पास पुदीने की चटनी है आप वो ऐड कर सकते हो। तो ये बेल भी आप जो है वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो आप स्प्राउट का चाट, इस टाइम पे आप स्प्राउट्स का चाट भी ले सकते हो। उसके बाद आ जाती है बारी डिनर की, तो कोशिश कीजिए डिनर हमेशा आपका हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि रात का समय होता है, और एक जी 8 बजे से लेट मत डिनर करो, टाइम पे अपना डिनर जो है वो आपने करना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप दलिया दलिया बनाएं वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, खिचड़ी बनाएं वेजिटेबल्स डाल के, ठीक है, या फिर अगर आप चपाती ले रहे हो, मल्टीग्रेन आटे की चपाती हो गई, वेजिटेबल हो गई, उसके साथ सैलेड होना चाहिए, या जो कीनवा का पुलाव बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि खाना खाने के बाद आप हमेशा जब भी कुछ खाते हो, खाना खाते हो, तो सैर वगैरह ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले आप जो लो फैट मिल्क है ना वो ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो सारी डाइट प्लान है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस डाइट प्लान से थोड़ी सी भी मदद मिलती है, आपकी डाइट जो है वो अच्छी होती है, आपका वेट लॉस होने में मदद हो मिलती है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मेरे को ये भी बताइए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं किसी भी डाइट के रिलेटेड में तब भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।